हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपको बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले बैंक इंडिया शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस में 86.10 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। और जो टारगेट निकल के आ रहा है, सीधा सीधा 100 का टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, क्योंकि देख सकते हो कि अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और जब तक बैंकिंग सेक्टर से कोई आपका NPA और बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा है, तब तक ये स्टॉक में अभी बुल रन कायम रहेगा। तो बहुत क्विक 30% गेन के लिए बैंक इंडिया आप बाई कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तो आपका अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक इंडिया 86.10 में लगातार तीनों ट्रेडिंग सेशन में आपका ग्रीन बना के पॉजिटिव रिटर्न दिया है और लगभग 10% का रिटर्न दे चुका है अपना। आप देखोगे तो 76 के वहाँ से आपका चलना शुरू किया था स्टॉक ने, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ा हुआ है। और ये जो क्विक गेन है वो बहुत जल्दी एक महीना मतलब मई के महीने के अंदर ही आपको ये 100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही अमेजिंग टारगेट के लिए आपको हमेशा सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मनी मेकर 2307 को। जैसे कि देख सकते हो अभी बैंक इंडिया में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं। टर्न अराउंड पोटेंशियल है 2.56% आपका अप मूव दिखा रहा है और देख सकते हो कि 77% आपका 1 ईयर में रिटर्न दे चुका है निफ्टी के कंपेयर में। और अभी जो है लगभग आपको बहुत ज़बरदस्त आपको बुलिशनेस दिखा रहा है स्टॉक में। 42% का चेकलिस्ट में पास है और जैसे कि लाइफ टाइम हाई जो 100 रुपये के आसपास है उसमें जाके आपको टच कर सकता है कुछ ही दिनों में, मतलब मई के लास्ट में, क्योंकि चार्ट में कोई अभी रेजिस्टेंस है नहीं और सीधा सीधा ब्रेकआउट दे के आगे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आपको 100 रुपये का टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। और देख सकते हो कि एस्टिमेट में दोनों के दोनों एनालिसिस आपका बाइंग और स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल जनरेट कर दिया है। और दिसंबर क्वार्टर में ज़बरदस्त रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, NPA कम हो गया सबसे बड़ी बात है, और जंप देखने को मिला रेवेन्यू में 1000 करोड़ के आसपास आपको जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम होता हुआ दिखा और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ है आपका, देखोगे तो 3% के आसपास बढ़ चुका है, जो पिछले क्वार्टर में 14.95% था अभी वो 17.62% हो गया है। और ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ के आसपास। और देखा जाए तो एनुअल रेवेन्यू में थोड़ा सा कम हुआ है 4.3%, लेकिन क्वार्टरली रेवेन्यू में 35.8% बढ़ोतरी हुआ है जो ठहरता है 14,218 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका क्वार्टरली रिजल्ट परफॉर्म किया है।